नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल का आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं ICICI बैंक का सुपर मर्चेंट करंट अकाउंट। जैसे कि नाम सुनकर ही पता चलता है कि मर्चेंट वालों के लिए होता है। मर्चेंट जैसे जिसका दुकानदार हो, जिसका रिटेल का शॉप है, और जिसके अंदर आपने देखा होगा ये जो फोटो बना रखा है इन्होंने, जो पॉज मशीन है, ईजी पे, जिसके अंदर ईजी पे मशीन का काम हो, उस कस्टमर के लिए ये वेरियंट बनाया गया है, स्पेशली रिटेलर लोगों के लिए। ये देखिए इस फोटो में दिया हुआ रिटेलर शॉप का। तो इस अकाउंट में जो बेनिफिट है वो क्या क्या है, मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। और सबसे पहले बता दूं कि ये जो करंट अकाउंट है पूरा का पूरा जीरो बैलेंस करंट अकाउंट है, और क्या टर्म कंडीशन है वो भी मैं आपको बताऊंगा एक एक करके। तो सबसे पहले देखिए ICICI बैंक इस अकाउंट में क्या क्या फीचर दे रही है। तो सबसे पहला फीचर है, बेनिफिट्स है इसके, ये जीरो बैलेंस करंट अकाउंट है। जीरो बैलेंस करंट अकाउंट क्या है क्या नहीं है, मैं आपको इसके अंदर एक इसकी जो एसओसी या शुल्क चार्ज वो भी बताऊंगा। तो आप वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारी मनोबल बढ़ती है, आगे और भी वीडियो आपके लिए अच्छा अच्छा लेके आऊँ। दूसरा इसके अंदर बेनिफिट है इंस्टेंट कार्ड सेटलमेंट। इंस्टेंट कार्ड सेटलमेंट मीन्स क्या होता है कि अगर आप पॉज मशीन के थ्रू ट्रांजेक्शन करते हैं तो दूसरे बैंकों में या किसी भी बैंक में आप जाते हैं तो वहाँ T+2 मतलब 2 दिनों के बाद आपके एक अकाउंट में पैसा आता है। लेकिन ICICI बैंक ने इस अकाउंट के अंदर सुविधा क्या दिया हुआ, इंस्टेंट कैश, मतलब कि जैसे ही आपने स्वैप किया वैसे ही आपका अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाएगा। ये सबसे बेस्ट है। अगर कोई छोटे दुकानदार है और उनको डिजिटल चैनल यूज़ करना ही है तभी ग्राहक आते हैं, क्योंकि आज के डेट में हर किसी के पास फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल एक वगैरह यूज़ करता है। और वहाँ बहुत सारे लोग दुकानों में ऐसे आते हैं, QR कोड लगा हो तो आते हैं, नहीं तो नहीं आते हैं। पॉज मशीन का हो, फोटो लगा हो तो आते हैं। डिजिटल की वजह से ट्रांजेक्शन भी बढ़े हैं लोगों के। तो इसमें अगर आपके पास छोटे दुकानदार हो, कैश की इंस्टेंट जरूरत हो, तो इस अकाउंट खुलवा करके आप इंस्टेंट ले सकते हैं। दूसरा कि स्टाम्प मर्चेंट ओवरड्राफ्ट, अगर आपकी क्रेडिट कार्ड पे, डेबिट कार्ड पे आपकी शॉपिंग हो रही है पॉज मशीन पे, और तो उस ट्रांजेक्शन के बेसिस पे भी ICICI बैंक आपको ओडी लिमिट प्रोवाइड कराता है। उसके बाद है इजी ऑनलाइन स्टोर, आपको ये अंदर एक चीज और देता है कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी क्रिएट कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपको कस्टमर ऑनलाइन ऑर्डर दे सकता है। जैसे कि आप बड़े मर्चेंट देखते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, उस टाइप का भी आप ऑनलाइन स्टोर इस अकाउंट के अंदर कर सकते हैं। इजी रिवार्ड पॉइंट्स है इसके अंदर बहुत सारा। ये जो ICICI बैंक में ऑफर है कि आप इतना शॉपिंग कर लेंगे तो कुछ ना कुछ कैशबैक और का भी ऑफर है। और इजी मर्चेंट असिस्टेंट है, असिस्टेंट इसके अंदर में कि आपको ऑनलाइन 24/7 आपको इसके अंदर में आपको असिस्ट भी किया जाएगा। और इसके अंदर देखिए आगे और क्या क्या बेनिफिट है इसके, देखिए क्या क्या है, मैंने आपको बताया था रिटेलर्स के लिए है, जिसकी शॉप हो, रेस्टोरेंट हो, अप्रो फार्मेसी हो, ग्रोसरी हो, क्लिनिक हो, केमिस्ट हो, ये सारा कोई इस अकाउंट को यूज कर सकता है। सबसे पहली चीज़ क्या है कि इजी पे पॉज सोल्यूशन, जो पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन है उसके अंदर इसका सोल्यूशन है, जो आपको पॉज मशीन मिलता है, जो मैं आपको बताया था पहले कि इंस्टेंटली आप सेम डे में चाहे तो आप इसके अंदर में पैसा अपने अकाउंट में मंगा सकते हैं। इसके अंदर का पेमेंट गेटवे भी है, और UPI QR कोड, QR कोड आप देखेंगे आजकल QR कोड तो आम हो गई है, आजकल हर किसी के पास QR कोड है। तो आप ICICI बैंक इस अकाउंट में QR कोड भी देता है, जिसके थ्रू आप इंस्टेंटली अकाउंट के थ्रू आप पैसा QR कोड से करेंगे और आपके करेंट अकाउंट में आ जाएगा। तो इस अकाउंट में आपने मेजर देख लिया कि QR कोड और इसके पॉज मशीन के थ्रू ही सारी वो ट्रांजेक्शन है। आप नॉर्मल बैंकिंग भी कर सकते हैं इसके अंदर में। और ICICI बैंक इसके अंदर दो वेरिएंट है, एक सुपर एडवांटेज प्लस, एक सुपर एडवांटेज। तो मैंने आपको दोनों वेरिएंट का मैं आपको SOC बताता हूँ बारी बारी से, मैंने इसको डाउनलोड कर रखा है ICICI बैंक के साइट से। तो इसमें देखिए दो वेरिएंट है, सुपर एडवांटेज करंट अकाउंट और सुपर एडवांटेज प्लस। ये मैं जीरो बैलेंस जो अकाउंट है, आप ध्यान रखिएगा, लोग इसको जीरो बैलेंस कह के खुलवाते हैं, फिर मेंटेन नहीं करते हैं अपना काम, और तो चार्जेस लग रहे हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है कि मैं आपको एक बता दूं, जो टर्म कंडीशन है बैंक का, ये पॉइंट को आप प्लीज पढ़ लीजिएगा ध्यान से। देखिए नॉन यूटिलाइजेशन, अगर आप पॉज मशीन और QR कोड के थ्रू अगर आप ट्राई देखिए, इफ अमाउंट ऑफ कलेक्शन थ्रू पॉज PG QR, पॉज मतलब पॉज मशीन, पेमेंट गेटवे, QR कोड अगर 1000 से कम होता है तो ₹499 पर मंथ आपका चार्ज लगेगा। अगर आपका कलेक्शन 1000 से 25000 के बीच में है तो ₹249 आपको चार्ज लगेगा। तो कम से कम आपको ₹50,000 की इसके अंदर में ट्रांजेक्शन होना चाहिए महीने में, तो इस अकाउंट का आपको जीरो बैलेंस फैसिलिटी मिलेगा। नहीं तो दोनों वेरिएंट में, एक जो सुपर एडवांटेज एक करंट अकाउंट, उसमें 50,000 मेंटेन करना है,
और सुबह एडवांटेज प्लस में आपको 5 लाख रुपया मेंटेन करना है। तो भाइयों इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि अगर आप सुपर मर्चेंट करेंट अकाउंट खुलवाते हैं जीरो बैलेंस सुन करके, तो आप प्लीज ध्यान रखिएगा 25,000+ का आपको क्यूआर कोड और पॉस मशीन के थ्रू आपको ट्रांजेक्शन करना है। बाकी जो नॉर्मल सर्विसेज होती है करंट अकाउंट में, सारी सर्विसेज है, जैसे मोबाइल अलर्ट सर्विस फ्री है, DDP ऑर्डर सर्विसेज है, आपको डेबिट कार्ड भी बैंक फ्री में दे रही है, NEFT RTA खुद से कर सकते हैं, ब्रांच के थ्रू कर सकते हैं, तो सारी सर्विसेज फ्री है। तो अब अगर आप खुलवाते हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि आप पॉस मशीन और QR कोड जरूर यूज़ करें, नहीं तो फिर आपके अकाउंट में चार्ज लगने शुरू हो जाएंगे। और ये और आपके पास दुकान रिटेल शॉप है तभी खुलवाएं, नॉर्मल करंट अकाउंट कस्टम बिजनेसमैन ना खुलवा ले अपना जीरो बैलेंस समझ के। सो प्लीज़ इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, और मेरे वीडियो बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक एंड